नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के साथ यातायात व्यवस्था सुचारू रूप बनाए रखने, दुर्ग कलेक्टर के आदेश व निगम आयुक्त के निर्देश के बाद दुर्ग की अव्यवस्थित सब्जी व्यवसायियों की अवैध दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। साथ ही जब्त किए गए सामानों को निगम आयुक्त के आदेश पर समझाइश देकर वापस किया गया। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं व यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के आदेश व आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश से इंदिरा मार्केट, महिला समृद्धि बाजार, सिकोला भाटा सहित अन्य सब्जी बाजार में निगम के बाजार विभाग व अतिक्रमण विभाग के नेतृत्व में सब्जी पसरा लगाने वाले द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था उसे हटवाने की कार्रवाई की गई। उनके द्वारा लगाए गए टेबल, जाली, अवैध निर्माण को हटाया गया। गौरतलब है कि गत दिनों भारी बारिश के चलते अतिक्रमणकारी सब्जी पसरा वालों द्वारा नाली को पूर्ण रूप से पाट दिया गया था, जिससे मार्केट में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई थी तथा आने वाले ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर निगम लगातार पानी निकासी के रास्ते में पेवर ब्लॉक इत्यादि लगाकर बंद कर दिया गया, जिसके बाद निगम द्वारा सख्त चेतावनी के साथ ही लिखित में दुकानदार से लेकर उनका जब्त किया सामान लौटाया। इस संबंध में बाजार अधिकारी थान सिंह यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कलेक्टर महोदय बीच में भी निरीक्षण किए थे, तो निरीक्षण के दौरान उनको ये दिखाई दिए थे कि महिला समृद्धि मार्केट या सिकोला भाटा मार्केट या इंदिरा मार्केट, इसमें सब व्यापारियों के द्वारा जाली लगाकर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिससे यहाँ की जनता जो सब्जी वगैरह खरीदने के लिए मार्केट में जाते थे उनको तकलीफ आने जाने में होती थी। इसलिए कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वहाँ मार्केट में किसी भी प्रकार के जाली और अतिक्रमण की वो नहीं रहेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज अतिक्रमण और जाली हटाने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की गई है। भविष्य में ये कल के लिए सितला समृद्धि मार्केट में भी ये कार्यवाही जारी रहे। कड़नी अभी इन लोगों से लिखित में अपन ले रहे हैं और भविष्य में यदि ऐसी ये की जाती है इनके द्वारा अतिक्रमण, तो इनको जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी और जो सामान जब्ती होगी वो उसको वापस नहीं की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।